के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम जो दिखाने जा रहे हैं वो है दुनिया का आठवां अजूबा। अपनी अद्भुत कॉमिक टाइमिंग, होस्टिंग और एक्टिंग स्किल्स के लिए नाम कमाने वाले टैलेंटेड कॉमेडियन राजीव ठाकुर बिग मैजिक के अपकमिंग कॉमेडी शो तेरा बाप मेरा बाप में नजर आने वाले हैं। बैगन के फैमिली में आ गए लोग की कुछ समझे कि ना? नहीं, हम कुछ ना समझे। आप समझे? नहीं। जी हाँ, आपको बता दें कि शो में राजीव डबल रोल में नजर आएंगे और इसके साथ ही इस शो में वो विलन का भी रोल निभा रहे हैं। बात करें शो की तो आप ये शो टेलीविजन चैनल बिग मैजिक पर 14 नवंबर से देख सकते हैं। अपने शो के प्रमोशन के लिए राजीव लाइव टुडे के ऑफिस आए, जहां उन्होंने अपने शो से रिलेटेड काफी कुछ शेयर किया। कॉमेडी के बाप कहें या उनको एक कॉमेडी के हुनरबाज कहें, भाई बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं उनको, हम सभी उनको बहुत अच्छे से पहचानते हैं। और आज लाइव टुडे के ऑफिस में एक बड़े दमदार से कॉमेडियन राजीव ठाकुर जी यहाँ पर आए हुए हैं। इनका शो आ रहा है बिग मैजिक पे, तेरा बाप मेरा बाप। क्या कॉन्सेप्ट है, कितना अलग सा नाम है, नाम ही पहली बात तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें क्या आपका रोल है, पहले उसके बारे में कुछ बताएं। एक तो बड़ा नाम से जैसे लग रहा है बड़ा अलग सा है, तो मैंने भी इसीलिए फटाफट रोल को पकड़ लिया क्योंकि बड़ा ही अजीब कॉन्सेप्ट है इसका, क्योंकि हमने डबल रोल अक्सर देखे हैं लेकिन इसमें दो लोगों के डबल रोल है, सबसे अच्छी बात है। तो लोगों को लगता है अरे यार अंगूर फिल्म बनेगी संजीव कुमार वाली, तो ऐसा नहीं है। इसका सबसे बड़ी खासियत यही है कि जैसे कि मैं हूँ सपोज़ और आप हैं, तो ये फैमिली है जो एक घर में रहती है और मैं इस फैमिली में नया आया हूँ इस मोहल्ले में। अब ये फैमिली बड़ी खुश होती है कि मोहल्ले में नए लोग आए हैं, लेकिन जैसे मेरी शक्ल देखते हैं ये तो बचक्के रह जाते हैं। कारण क्योंकि मेरी शक्ल आपके बेटे से हूबहू मिलती है, तो अब प्रॉब्लम चालू कि इसके बेटे के साथ इसकी शक्ल कैसे मिलती है। अब जब मैं इनकी शक्ल देखता हूँ तो मैं हैरान रहता हूँ कि मेरे बेटे की शक्ल इनसे मिलती है। तो ये जो डबल कन्फ्यूज़न है कि बाप इधर हैं और बेटों की शक्ल इनसे मिलती हैं, तो अब इसके दौरान कितनी परेशानी होने वाली है मोहल्ले में, क्योंकि किसके करेक्टर पर उंगली उठने वाली है, कि कारण क्या है कि मतलब इसकी शक्ल का बच्चा उसके घर में कैसे पैदा हो सकता है और उसकी शक्ल का बच्चा इसके घर में कैसे पैदा होता। तो इसका नाम इसलिए है कि तेरा बाप मेरा बाप। तो इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सी सिचुएशंस बनी हैं और सबसे अच्छी बात है कि लखनऊ आने का कारण भी यही है कि ये टोटली यूपी बेस्ड शो है और मैं पहली बार कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा। अच्छा, क्या यूपी में यहाँ पे कुछ शूट हुआ है इसका? नहीं, यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन हमने जो दिखाया है कि गाजियाबाद का एरिया जहाँ पे ये शिफ्ट होके आते हैं, तो करेक्टर बड़े अजीब हैं इसके। जैसे कि मैं कर रहा हूँ तो मैं वो करेक्टर हूँ, एक हिंदी का प्राध्यापक हैं और इनको अंग्रेज़ी से सख्त नफरत है। इनको ऐसा लगता है कि अगर हम अंग्रेज़ी बोलेंगे तो हम दोबारा ग़ुलाम हो जाएंगे। जी, तो उनको लगता है कि अंग्रेज़ी बोलेंगे तो दोबारा ग़ुलाम हो जाएंगे, अंग्रेज़ चले गए लेकिन हमारी मानसिकता को अभी भी ग़ुलाम करके रखे हुए हैं। तो उस पर ये है, और ये बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी बोलते हैं, मतलब थोड़ी दो चार लाइन सुना दीजिए। जी, हम प्राध्यापक हैं हिंदी के और हमें ग्लानी होती है जब कोई हमारे सामने अंग्रेज़ी भाषा में शब्दों को प्रयुक्त करते हैं, तो हम आलोचना करते हैं हमेशा। तो करेक्टर भी कुछ ऐसा ही है कि हम देखिए आलोचना करते हैं कि ऐसी चीज़ें करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि हमारी हिंदी जो है वो हमारी मातृभाषा है, आप अंग्रेज़ी में कैसे बोल सकते हैं, आपको लगता नहीं है कि अंग्रेज़ी में ऐसे बोलना नहीं चाहिए। तो अब इसका जो बेटा है मतलब, तो वो पूरा फेल होने वाला। और अब जो दूसरा घर आया है सामने, उस घर में मनु जो लड़का है वो कर रहा है किरदार, वो भी डबल रोल कर रहा है क्योंकि, तो वो एक डकैत है जो चंबल से आया है और रिटायरमेंट ले लिया उसने डकैती से, तो वो रिटायरमेंट लेके आया है, लेकिन उसको गुस्सा आ जाता है जब कोई बुरी बात होती है ना, तो उसके मन में गुस्सा आता है तो उसके हाथ में बंदूक आ जाती है। सो मन से, सो एक बड़ा ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भैंस का, जिसका हमने प्रोमो में देखा। भाई भैंस का क्या इंपॉर्टेंट? बस उसका नाम कुछ रखा हुआ है उन्होंने बहुत प्यारा सा, और उसके साथ बतियाती हैं जो उसकी मालकिन हैं, जो बात होती है उसके साथ बतियाती हैं। तो एक जैसे कहते हैं ना कि सिटकॉम, प्रॉपर सिटकॉम, अब सिटकॉम को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी का प्राध्यापक बना हूँ लेकिन
सिटकॉम को हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं है, लेकिन ये एक प्रॉपर सिटकॉम है और हिलेरियस सिचुएशंस और करेक्टर्स, बस बेसिकली करेक्टर बेस्ड, और मज़ा आएगा देखने में जैसे नाम से लग रहा है, और प्रोमो आप दिखाई देना इन सबको। राजीव जी आपकी बातों से ही बड़ा मजा आ रहा है मैं सुनकर, तो भाई शो कितना जबरदस्त होगा ये तो ऑन एयर होने पे पता चलेगा। लेकिन शो बढ़िया है, बढ़िया है, तो ये दूसरा करेक्टर है। अच्छा नहीं बहुत बढ़िया। अच्छा आपने जो बोला आप हिंदी मतलब बहुत सीखनी पड़ी आपको, क्योंकि जितना आपने इसका जो लफ्ज़ निकाला उसको सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। पड़ी, सीखनी नहीं पड़ी है मुझे रोज प्रॉपर जो हिंदी नहीं, नहीं रोज़ मुझे शब्द ढूंढने पड़ते हैं, जैसे डायलॉग आते हैं तो उसके बाद मैं ढूंढता हूँ, अरे यार ये तारीफ़ को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो मैं हाँ तो एक डायलॉग था जैसे वो मैं उसको बोलता हूँ कि वो मुझे मेरी बीवी बोलती है ना मेरे को कि चाय लेके आती है तो आके बोलती है लीजिए ना, तो मेरे को गुस्सा आ जाता है लीजिए ना बेबी, उसको ये भी हिंदी पसंद नहीं है, वो कहती है आके लीजिए ना, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, मतलब कदापि नहीं, हम आपको पहली रात्रि से बता रहे हैं जब आप दूध लेके आई थी कि लीजिए नहीं होता है, ग्रहण कीजिए होता है, तो ग्रहण कीजिए बोलिए, ग्रहण कीजिए, एक तो इनका ग्रहण करने को बोलो इनके मुँह पर ग्रहण लग जाता है, तो आगे से फिर बीवी बोलती है हमारी तो ज़िंदगी का ग्रहण लग गवा है, अब तो घर में कोई मेहमान भी नहीं आता, हमारी तो ज़िंदगी को ग्रहण लगा है, अब तो कौवा भी नहीं आता है काँव काँव करने, तो मैं कहाँ से करेगा काँव काँव जब तुम बैठी हुई हो घर पे काँव काँव करने के लिए, तो उसको गुस्सा आता है, तो वो बोलती है हमका कौवा बोले, हमको कौवा बोले तो आप बगुला, अब बगुला बोल गए, बगुला कमाल है, समझ में नहीं आता, क्रोध में भी प्रशंसा करके चली जाती हैं। तो मियाँ बीवी की ये बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, सो बेटे के साथ भी है, आई होप के छोटे शहरों में जो घर परिवार में होते हैं ना मियाँ झोंक नोक झोंक वो है बेटे के साथ बाप। अच्छा, की एक तरफ आप एक एक बाप का किरदार निभा रहे हैं, एक तरफ एक लड़के का, लड़का हुआ है जब बता रहे हैं हम, जब बता रहे हैं हम जासूसी है। अच्छा इसका नाम सरेंडर है, अब सरेंडर नाम कैसे पड़ा कि जैसे डाकू जैसे ये पैदा हुआ तो इसके बाप ने जो क्योंकि ये उसका बेटा ना डाकू भगदड़ सिंह का नाम है डाकू भगदड़ सिंह, तो उसने जैसे ये उसके घर में पैदा हुआ उसने सरेंडर कर दिया पुलिस को, तो इसका नाम भी सरेंडर रखा हुआ है, नाम सरेंडर है जो कभी किए नहीं, तो जे जो और बाप पे भड़क रहा है ना वो भी बाप को देखता सामने वाले से शक्ल मिल रही है उसकी, बापू जब का कर दिए तुम, जब का करे हो तुम बापू, अरे शक्ल तो छोड़ो सारा हाथ का नाखून तक नहीं मिलता है तुमसे, हमारी बुरा हाल है, गली में कैसे निकलेगा घोड़े का पट्टा पहन कर निकलेगा, तो ये दूसरा करेक्टर है, तो मुझे इसलिए करने में मज़ा आ रहा है कि ये मेरे लिए पहली बार चीज़ें हैं। मतलब हम ये शो का जो कॉन्सेप्ट हमने सुन के हमको पता चल गया इसीलिए आपने ये शो चुना है, क्योंकि ये जो किरदार है और जो इसका एक जो तड़का है वो एकदम आपकी चीज़ों से मैच कर, मैं कहता हूँ आपको सच में मज़ा आएगा, और बाकी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, और सेट भी बड़ा खूबसूरत है, आप एक बार हमारा प्रोमो ज़रूर दिखाइएगा, उसमें सेट वेट आपको दिखेगा, भैंसिया दिखेगी हमारे, हम दिखेंगे, और हम ही आपको बता रहे हैं कि ये शो देखिएगा ज़रूर, आपको शो देखने में मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल हम सब ये शो देखेंगे। अच्छा आप जितने कॉमेडी के धुरंधर हैं राजीव, एक अपना अंदाज, आपका शो तो आ ही रहा है वो हम सब बहुत पसंद करेंगे जब जैसे ही टेलीकास्ट होगा, जो आपका एक जो अंदाज है ना जिस चीज़ से राजीव जाने जाते हैं कुछ करके दिखा दीजिए, कुछ अच्छा सा कोई डायलॉग या कुछ डायलॉग ही थे ये आपको मैंने अपने जो जो मेरा शो आने वाला है उसके बारे में दिखाए, लेकिन अभी भी मैं जहाज़ में आ रहा था तो आज हमें एयर इंडिया की टिकट मिली है, तो एयर इंडिया को देखते हुए मैंने जैसे देखे तो साड़ी वाड़ी में एयर होस्टेस, तो मैंने देखा मैंने कहा अरे बाप रे, मतलब बाकी एयरलाइंस वाले जिस उम्र में एयर होस्टेस को रिटायरमेंट देते हैं ये भर्ती करती हैं, मतलब मैं 2.5 घंटे का सफ़र करके आया हूँ, इतना प्यार करती हैं, माँ की ममता की कमी महसूस नहीं हुई मेरे को अंदर। अरे वाह बहुत बढ़िया, चलिए भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने बताई, हम लोग बहुत हंस रहे हैं। अब कई सारे किरदार तो आप करें टीवी पे, आप आए गए टीवी पे तो आप थे ही भाई, अब तो सीरियल आ रहा है आपका, फिल्म में जाने का कोई प्लान, कोई बढ़िया सा कोई हम अगर आपको आगे फिल्म में देखें? बस अभी एक फिल्म आई थी पीछे तूतक तूतक तूतियाँ प्रभु देवा जी के साथ, लेकिन मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मेरे को हीरो बनना है तो हिंदी में हीरो लेते नहीं हैं, सो मैं अपने जहाँ से मैं हूँ पंजाब से, तो मैं पंजाबी फिल्में कर रहा हूँ, अभी पिछले साल मेरी 4 पंजाबी फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं, सो लेकिन अभी आगे फिल्में करनी मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि जब आप कोई भी ऐसा शो पकड़ लेते हो जो रोज़ आता है
تو اس کے لیے آپ کو روز شوٹنگ کرنی پڑتی ہے. تو انہوں نے 25 دن تو میرے بلاک کر رکھے ہیں, 25 دن ان کو دینے ہیں, پھر ایک اور ہے شو, 6 دن ان کو دینے ہیں, مہینے میں اتنے دن ہوتے ہیں. اچھا راجیو, آپ کے حساب سے ٹی وی بیٹر ہے یا بالی ووڈ؟ آج ٹی وی لگ بھگ بالی ووڈ جتنا بڑا ہو چکا ہے. مطلب اگر آپ سب لوگ, میں یہاں پر آیا ہوں, اتنے پیار سے آپ مل رہے ہیں تو ٹی وی کی بدولت ہی مل رہے ہیں. میں تو ہمیشہ, مجھے یاد ہے کہ روی کشن بابو بولا کرتے تھے کہ بابو ایک بڑے شہر کا حوالدار ہونے کی بجائے چھوٹے شہر کا کمشنر لگ جاؤ, تو ٹی وی کے بڑے سٹار ہو جاؤ. مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ بالی ووڈ کا چھوٹا سٹار ہونے سے بیٹر ہے ٹی وی کے بڑے سٹار ہو جاؤ, تو لوگ آپ کو پیار کرتے ہیں. آج دونوں چیزیں برابر چل رہی ہیں. دونوں کیا, میں تو بولتا ہوں یہ جو آپ یہاں پر وہ کیا بولتے ہیں اس کو, وہ کیا چلا رہے تھے آپ ادھر, ہاں پورٹل, آج کل تو پورٹل بھی اتنے امپورٹنٹ ہو, ڈیجیٹل انڈیا, ڈیجیٹل مطلب جو مطلب ٹی وی کی جگہ ڈیجیٹل پہ بھی جو لوگ ہیں وہ بھی آج اتنے بڑے ہیں. تو آج لوگوں تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے. میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ آج سے اگر ہم 10-20 سال پہلے جائیں تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ اسٹار بننا آسان تھا, پہچان بنانا آسان تھا, لیکن آپ اس سے پیسہ نہیں کما سکتے تھے. لیکن آج اس انڈسٹری میں جیسے پورٹل ہیں, ٹی وی ہے, فلمیں ہیں, ریجنل چینلز ہیں, تو آدمی کے پاس روزی روٹی کے سادھن زیادہ ہو گئے ہیں. لیکن پہلے کیا ہوتا تھا کہ دور درشن ہے صرف, تو آپ اسٹار ہو گئے لیکن وہی کام ہے اتنا ہی بس. لیکن آج آپ کے پاس, میں وہی بول رہا ہوں, جیسے میں ابھی 30 دن ہی شوٹ کرتا ہوں, تو کام بھگوان کی دیا سے بڑھ گئے ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ ٹی وی, پورٹل, سب چیزیں بہت بڑی ہو رہی ہیں. بالکل, ہم بھی چاہیں گے. وہ کہتے ہیں نا پنجاب سے ہیں آپ, تو بولتے ہیں نا چک دے پھٹے, بول دیجیے آپ کا شو آ رہا ہے بھائی. بس یہ شو تو پھٹے چک نہیں آ رہا, لیکن میں آپ کی بھاشا میں کہوں گا کیونکہ میں نے بہت زور لگا کے سیکھ رہا ہوں. تو بھیا جب بات ہم بول رہے ہیں کہ بھیا ہمارے سیریل کو تھوڑا سا پیار دے دو, پھر دیکھیں ہم بہت کمال کر لیں گے. اور ہم ہی ہیں, ہم ہی گارنٹی دے دیں کہ آپ دیکھا آپ کو مزہ آئے گا. چلیے بالکل, بہت بہت شکریہ راجیو جی, آپ سے مل کے بہت اچھا لگا, اور آپ کو آپ کے شو کے لیے بہت بہت کنگریچولیشن. ہم سبھی چاہیں گے ان کا شو تیرا باپ میرا باپ سپر ڈپر ہٹ جائے. ویڈیو جرنلسٹ, سوموار سے شکروار رات 9:30 بگ میجک. بالکل, ویڈیو جرنلسٹ لطیف کے ساتھ آیوشی ڈیسپا, لائیو ٹوڈے, لکھنؤ.